नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत दिन के बाद काजल लखवानी जी कैमरे पे हैं। कैसी मैडम? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही है साड़ी में। थैंक यू। किसने बनाया साड़ी? किसने बनाई वो तो पता नहीं है, बट विद्या ने खरीदी है। विद्या अच्छा। जो हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। हाँ। तो बस ये लाल चूड़ी भी बनाई नहीं है। हाँ। ली गई है। अच्छा, मंगलसूत्र भी दिख रहा है। हाँ, ये पहनाया गया है। किसके नाम का मंगलसूत्र है ये? जो मेरे कोस्टार है दिनेश जी, जो अच्छा। मूवी कर रहे हैं अभी फिलहाल, जिसका हाँ। नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रोडक्शन थ्री लिखा हुआ है। ओके। सो बस उसी में मैं उनकी वाइफ दिखाई हूँ, तो उनके नाम का मंगलसूत्र पहना है। अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि अमरपाली जी भी दिख रही हैं पिक्चर में, तो दर्शक कंफ्यूज है कि आप कौन किसकी मेहरारू है। यही तो हमारा मतलब है पूरा, तो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी किस एक्चुअल में स्टोरी है क्या। अच्छा, और आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए, भगवान भगवान करे फिल्म में आपको दिनेश जी मिल जाए। मिलेंगे दोनों को। आधा आधा बांट लीजिएगा। वैसे भी दिनेश जी की जितनी फिल्म आई है, हर में दो मेहरारू होती है, एक को जाना पड़ता लास्ट में। पता नहीं, बट इसमें तो कुछ अलग है। हाँ। वो तो आपको स्टोरी मूवी जब रिलीज होगी तब पता चलेगा। आजमगढ़ में चुनाव जीतने के बाद दिनेश जी की पहली शूटिंग चल रही है, कैसा लगा आपको उनके साथ यहाँ के लोग? ये तो बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ के ही हमारे दिनेश जी सांसद भी बने हैं, और उन्हीं के शहर में हम लोग शूट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा, उन्होंने हर चीज, हर रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिक्योरिटी एंड ऑल सारी चीजें बहुत अच्छी है। साथ में अमरपाली जी भी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अमरपाली जी तो बेस्ट है ही, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है और अच्छी दोस्त भी है। अच्छे से हम लोग हंसी मजाक करते करते वर्क कर रहे हैं, मजा आ रहा है। कभी नोक झोंक होता है अमरपाली जी के साथ में आपका? नहीं नहीं, कभी नहीं। दिनेश जी को लेकर? दिनेश जी को लेकर क्यों होगा? आप ये फालतू क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो मतलब का? अच्छा, वो आपका नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? कौन? बाल झबरा झबरा बाल वाला? कौन? जो हनी? हमेशा हनी 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 घर पे पुणे में है। अच्छा। हाँ। तो हनी के बगैर आपको मन लग जाता है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट लगाना पड़ता है। हनी यहाँ से आपका वीडियो देख रहा है, कुछ कहेंगे उसको? आई लव यू हनी एंड आई मिस यू लॉट। डायरेक्टर फिल्म के मंजुल ठाकुर जी हैं, काफी बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण किया है, निर्देशन किया है, जो काफी दर्शक देखते हैं, उनके बारे में कुछ दो लाइन। मंजुल जी तो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्शन मतलब डायरेक्टर है ही, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हिट्स भी दिए हैं, और मैंने उनके साथ एक ही फिल्म की थी, आई गेस हम लोग 5 साल बाद मैं वापस उनके साथ वर्क कर रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये माना मतलब लोग कहते भी हैं कि वो जो घरेलू फिल्में होते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी होती है, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे फिल्में कर रही हूँ जिसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, एकदम गांव का मतलब गांव का एकदम लुक दिया हुआ है 90s का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मेरा भी एक सपना था कि मैं भी ऐसी फिल्म करूँ, तो आज मैं कर रही हूँ और मंजुल जी के अंडर कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लंदन से लौटने के बाद प्रदीप पांडे चिंटू साथ काफी अपने फिल्में किया है, क्या कुछ कहेंगे चिंटू जी के बारे में? बहुत अच्छे कोस्टार है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग, और काम करने में मजा आता है, हमारी पैर को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारे फैंस हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो और अच्छी अच्छी फिल्में भी हम लोग बना रहे हैं, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं, तो बस। आपके ट्रेंडिंग स्टार के बारे में हम जानना चाहते हैं कि दर्शक काफी कमेंट करते हैं कि फिर से दोनों साथ में काम करें, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, मतलब जरूरी था, इसको काट लो ना, तो बताती हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से। कोई रिएक्शन? नो रिएक्शन, ये सच्ची में।